नमस्ते दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ तीज की व्रत की पूजा करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है क्योंकि हरतालिका तीज है। तो आज एक्चुअली हम घर में पूजा नहीं कर रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं हम सब पूजा करने के लिए। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब हम आपको लेके चलते हैं वीडियो की तरफ और आप सबको तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब ये देखिए हम जा रहे हैं, क्या कहते हैं, मंदिर की तरफ। ये हम मंदिर में पहुंच चुके हैं, मैं हूँ और ये पीछे रश्मि भाभी हैं और ये आंटी हैं जो कि हमारी गली में रहती हैं, और एक नीचे जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर के नीचे रहती हूँ वो भाभी थी। हम तीन चार लोग इकट्ठे गए थे। अब यहाँ पे मैं मंदिर में आ चुकी हूँ, मैं घंटी बजा रही हूँ शिव जी के मंदिर की। और ये देखिए हमारे शिव जी कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे सच्ची बताऊँ इतनी भीड़ थी ना इस बार मंदिर में, और यहाँ पे हमने तीनों ने मिलके दूध चढ़ाया हमने शिव जी को, पार्वती माता को, गणेश जी को, सबको हमने दूध चढ़ाया है। आंटी दूध लेके गई थी, हम लोग लेके नहीं गए थे, तो आंटी ने बोला सब रख लगा दो। और यहाँ पे इतनी भीड़ है इस टाइम पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो देखो पीछे रश्मि खड़ी है, हद से ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में, बहुत भीड़ थी। क्या करें, शिव जी की पूजा तो सब करते ही हैं अच्छे तरीके से, सबको करनी भी चाहिए। देखो अब यहाँ पे मैं अपना लोटा उठा के जल डाल रही हूँ शिव जी के ऊपर, जल चढ़ा रही हूँ। माता पार्वती को चढ़ाया, गणेश जी को चढ़ाया, नंदी को चढ़ाया। नंदी तक तो मेरा हाथ ही नहीं पहुँच रहा था क्योंकि वो थोड़ा, हम इधर से पूजा कर रहे थे ना, मैं उधर तक तो मेरा हाथ ही नहीं पहुँचा। मैंने थोड़ा सा ना ऐसे ही डाला तो मैं शायद उनके ऊपर चला गया था, एक दो बूंद, बस बूंद ही गया होगा, पूरा तो नहीं गया होगा। फिर मैं भाभी को ना वो कपड़ा पकड़ा रही हूँ जो थाली के ऊपर ढका हुआ होता है ना, वो मैंने पकड़ाया उनको। और ये भाभी मुझसे पूछे तुम कपड़ा लाई हो चढ़ाने के लिए, मैंने बोला नहीं मैं तो भूल गई, और बाकी नहीं मैं भूल के चली गई थी, मैं दो चीज़ भूल गई थी, एक शीशा और एक कपड़ा, वो मैंने ना अलग रखा था। और वो मैं जाते जाते इनका फ़ोन आया नीचे से कि जल्दी चलो, मैं भूल गई। फिर मैं यहाँ पे माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ा रही थी, और फिर अब हमने नारियल उठाया। मैं तो देख देख के पूजा कर रही थी, जैसे जैसे आंटी कर रही थी ना वैसे वैसे मैं कर रही थी, क्योंकि मतलब मेरी ये तीज का व्रत मेरा चौथा है, तो मुझे अभी इतना थोड़ा डर सा लगता है पूजा करने में कि कुछ गलती ना हो जाए। तो जैसे जैसे आंटी कर रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी। तो आंटी ने कलावा चढ़ाया तो हमने भी कलावा चढ़ाया। अब यहाँ पे हम फूल चढ़ा रहे हैं, जो कि शिव जी के ऊपर पहले से ही बहुत सारे फूल चढ़े हुए थे, पर वही हम अपनी माला लेके गए थे, हम तो चढ़ाएंगे ही। तो हमने यहाँ पे शिव जी को माला चढ़ाई, बेल पत्थर चढ़ा रहे हैं, ये भांग और धतूरा, फूल माता पार्वती को चढ़ाए हमने, और ये बेल पत्थर आंटी ने भी चढ़ा दी उसी में से, और गुलाब का फूल रखा, सारे फूल हमने यहीं चढ़ा दिए थे माता पार्वती को। आंटी हमें भांग दे रही हैं, ये लोग भांग भी तो चढ़ाते हैं बोली, तो उन्होंने हमें भांग दी। मेरे पास, हमारे पास तो भांग नहीं थी, ना भाभी के पास थी ना मेरे पास थी, आंटी लाई थी वही, उनको तजुर्बा है ना बहुत तगड़ा, तो उन्होंने हमें भांग दी, हम लोगों ने भांग चढ़ाई। फिर हम कलावा चढ़ा रहे हैं, मैंने कलावा चढ़ाया, वो जनी चढ़ाते हैं ना शिव जी को, वो चढ़ाया हमने, और माता पार्वती को भी चढ़ाया था। यहाँ पे हम लोग लगे हुए हैं पूजा करने में सारे के सारे, इतनी भीड़ हो गई थी मंदिर में, इतनी सारी औरतें आ गई थी क्योंकि जगह भी नहीं थी। वो तो अच्छा हुआ हमारे टाइम पे तो अब भी थोड़ा सा खाली है, बट बाकी का तो नहीं था खाली। जो वीडियो बना रही थी सांभवी बेचारी धुएँ में पूरी लाल हो चुकी थी वो, क्योंकि वो इधर सामने खड़ी हुई थी, इधर सारे दिए धूप बत्ती सब जल रही थी, उसकी तो आँख ही लाल हो गई थी। यहाँ हमने श्रृंगार चढ़ाया, यहाँ हम सिंदूर दान कर रहे हैं माता पार्वती को, शिव जी को हमने सिंदूर लगाया। अब इन लोगों, अब सबको सिंदूर चढ़ा के हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है।
पूजा स्टार्ट तो पहले ही हो चुकी थी, बस हम लगे पड़े हैं पूजा करने में। इस बार थोड़ा कम एहसास हुआ, वरना भूख का प्यास का कुछ पता नहीं चला इस बार, नहीं तो हर बारी थोड़ा लगता है। अब मैंने फिर नारियल उठाया, क्योंकि नारियल हम देख रहे थे कि कहाँ जाएंगे, क्योंकि रघुतम नारियल की स्थापना करते हैं लोटे के ऊपर। तो हम इस बार मंदिर गए थे तो हम ये सोच रहे थे कि फिर नारियल यहाँ रखेंगे तो फिर हम उठाएंगे कैसे, क्योंकि नारियल तो हमें चाहिए होगा घर के लिए, तो हम वही कर रहे थे। तो आंटी ने बोला यहाँ से घुमाओ और नीचे रख दो, और केला वेला मतलब फल फ्रूट चढ़ा रहे हैं। मैं 5 फल लेकर गई थी और 5 तरीके की मिठाई जो कि हमने चढ़ाई वहाँ पे मंदिर में शिव जी के लिए। शिव जी को वाइट कलर की मिठाई पसंद है ना, तो हमने वाइट कलर की, मैं वाइट कलर की मिठाई लेकर गई थी। अब मिठाई चढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पे, मेरी चुन्नी सर पे गिर चुकी है। आंटी देखो कितनी जल्दी पूजा कर रही है, आंटी ने तो आरती भी स्टार्ट कर दी। अभी हम फल फूल मिठाई चढ़ाने में लगे हुए हैं, आंटी अपना काम फटाफट फटाफट करें और मैं तो भी मिठाई चढ़ाने में लगी हूँ। क्या करें, धीरे धीरे सब सीखते हैं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे हम भी, है ना। मैंने गणेश जी को लड्डू चढ़ाया, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी भी थी मतलब है, तो उनको तो पहले भोग लगाएंगे। अभी हमारी पूजा समाप्त नहीं हुई है, अभी हमारी पूजा चल रही है, तब हम बत्ती और दिया जला रहे हैं जिससे हम भोले जी की आरती करेंगे, क्योंकि इस बार घर पे मंडप इसने इस जो आंटी लगाती हैं घर पे, उनके घर पे बनती है, मतलब तीज की पूजा उनके घर पे करते थे पहले, तो वो पूरा मंडप लगाती थी और हम सारी गली की औरतें वहाँ पे मिलके पूजा करती थी। पर इस बार उन्होंने लगाया ही नहीं, पता नहीं क्यों क्या हो गया उनको, नहीं तो हम जैसे घर पे करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सारी औरतें मिलके गाने वाने भी गाते हैं। गाने नहीं गा पाते तो हम पता क्या करते हैं, स्पीकर में चला लेते हैं भोले जी के गाने और फिर हम डांस वांस भी कर लेते हैं। इस बार तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही पूजा कर ली, पर कोई नहीं पूजा तो कर ली ना बस। अब मैं धूप बत्ती जला रही हूँ और दिया भी उठाऊँगी, फिर दिया से और धूप बत्ती से आरती करेंगे सब मिलकर। वो भाभी ना उनकी धूप बत्ती जली थी ना मेरे हाथ पे लगे, वो रहने दे रुक 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 रुक, मैं करती हूँ। यहाँ पे हमारी पूजा बेचारी जो कर वीडियो बना रही थी ना, वो बड़ी परेशान हुई। हम यहाँ पे आरती कर रहे हैं, ये आंटी भी मेरी वीडियो में आ गई हैं, क्योंकि ये मेरे साथ ही आ गई थी। कोई बात नहीं, पर चलता है ना। अब हम यहाँ आरती कर रहे हैं, आरती कर, अब मैं बिल्कुल शिव जी के सामने जा रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि इधर से जाएं कि इधर से जाएं, तो भाभी ने बोला इधर से चले जाओ, तो मैं इधर से आई। अब मैंने आरती करी, अब मैं यहाँ सामने से आरती कर रही हूँ, क्योंकि ना इधर से पता नहीं जाना नहीं जाने नहीं दे रहे थे, पता नहीं क्या था, कुछ था शायद, मुझे इतना पता नहीं, तो जो बोल देते वही कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हमारी पूजा समाप्त हो चुकी थी, अब हम जाएंगे निकलेंगे बाहर, कि बहुत पूजा हो गई, बहुत धुआं था, बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था। अब मैं अपने दुपट्टे से शिव जी के गोल लगाऊंगी, हाँ वही बोलते ना गोल लगना, हाँ वही लग रही, बोलते ना आंचल से गोल लगने चाहिए। और ये मेरी शादी की चुन्नी है, और मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी आज तीज पे, मैंने कुछ भी ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनी, क्योंकि है ना बहुत गर्मी लगती है, और वैसे भी मंदिर गए थे तो मंदिर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, मैंने मेरी साड़ी बहुत गर्मी हो रही थी।
यहाँ पे भी धूपबत्ती जला रहे थे। मैं धूपबत्ती लेके नहीं गई थी, मैंने बोला भाभी मैं तो धूपबत्ती लाई नहीं, मैं तो एक ही लाई थी। तो उन्होंने बोला लो ना इतनी सारी धूपबत्ती है, और जली हुई थी इससे तो धूपबत्ती, मतलब धूपबत्ती जली थी, हाथ जल रहा था मेरा मार जिससे। फिर हमने यहाँ पे पूजा करी, फिर पंडित जी बोल रहे थे यहाँ धूपबत्ती मत जलाओ क्योंकि पूरे मंदिर में धुआं धुआं हो चुका था। तो बेचारे पंडित जी भी दुखी हो गए थे क्योंकि उनको कथा सुना, वो कथा सुना रहे थे, हमारी पूजा समाप्त हुई तो उन्होंने कथा स्टार्ट कर दी। तो उन्होंने कथा, हम मंदिर में ही कथा सुन गए थे, पंडित जी ने कथा सुनाई थी हमें, तो हम लोग वहीं बैठे हुए थे कथा सुन के फिर आए हम लोग यहाँ। हमारी पूजा लगभग समाप्त होने के उस पे बेस पे हमारी पूजा कर ली, हो गई हमारी पूजा। सांभा भी कहती आंटी इधर से वीडियो बनानी है, फिर मैंने बोला बना लो यार आए मंदिर में। तो अब हमारी पूजा ख़त्म हो गई, अब हम घर की तरफ आ रहे थे। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को बहुत सपोर्ट करे, थैंक यू, जो भी कोई गलती हो वो माफ करे, धन्यवाद।